व्हाट इज द क्लास सर? एस से जेड एन इनटू आर एक ऐसा सेट जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होता है और कोडोमेन रियल नंबर होता है। अच्छा, तो सीक्वेंस में जो मोनोटोनिक कन्वर्जेंस थ्योरम थी वो क्या थी? एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। अच्छा, उसमें टेल सीक्वेंस था, उसका क्या यूज था? सर, अगर कोई सीक्वेंस है उसके हम कुछ टर्म एन माइनस वन टर्म्स हटा के और एन प्लस वन से टर्म्स लेते हैं, अगर वो हमारा कन्वर्जेंट होता है तो हम कह सकते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अच्छा, सबसीक्वेंस का क्या यूज था? सर, जैसे एक सीक्वेंस है और उसके हमने दो सबसीक्वेंस लिए हैं और दोनों सबसीक्वेंस एक ही पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस भी उसी पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं। अच्छा, कौसी सीक्वेंस क्या था? कौसी क्राइटेरिया? एक्शन या सीक्वेंस और एक्स या लिमिट ऑफ सीक्वेंस, देन फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन ग्रेटर देन इक्वल एन नॉट सच दैट mod of Sn minus Sm less than epsilon for every n greater than equal n naught. Anjali. Yes sir. हम लोगों ने कल पढ़ा था कि एक रिलेशन पढ़ा था कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में, तो क्या रिलेशन था वो? FnX हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है और FnX हमारे कंटिन्यूअस होते हैं तो जो हमारा fx आता है वो भी कंटीन्यूअस हो जाता है। ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी की क्या थ्योरम थी? डिफरेंशिएबिलिटी था कि fnx हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है और fnx हमारे डिफरेंशिएबल है तो जो fx होता है वो मतलब जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल हो। fx जरूरी है डिफरेंशिएबल। अच्छा, तो पूरा पूरा स्टेटमेंट क्या था? FnX is uniform convergence on A and FnX is differentiable on A. This then FX may be or may not be differentiable on A. May or may not be नहीं, वो मतलब बताओ FnX में differentiable होता है। तो set पर होगा FnX differentiable. Sir, AVR से पूछ रहे हैं। पूरा statement बताओ differentiability और AVR closed set. Sir, A be a closed set and FnX is differentiable on A and FnX naught is convergence sequence on A and then Fn dash X is a uniform convergence on A, then FnX is also uniform convergence or FX is differentiable on A and F dash NX is the convergence to G dash. Say and FnX is convergence to F, then G dash X is GX is equals to F dash X and D by DX limit n tends to infinity FnX is equals to limit n tends to infinity D by DX FnX. Okay, Dibyansi, kya relation tha integrability ke liye? क्या क्या बताया था इंटीग्रेबिलिटी के लिए, क्या रिलेशन था? कंटिन्यूअस। हाँ बोलो। अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और कंटिन्यूअस है तो वो इंटीग्रेबल होगा और उसकी लिमिट इंटरचेंजेबल हो सकती है। लिमिट और इंटीग्रेशन, लिमिट एंड इंटरचेंज हो सकता है। फिर से बताओ क्या बोल रहा है। कोई फंक्शन बाउंडेड होता है और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो उसका वो इंटीग्रेशन की लिमिट्स चेंज हो सकती है। वो आपस बाउंडेड हो, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो, अब उसमें कंडीशन आनी चाहिए इंटीग्रेबिलिटी की, इंटीग्रेबल भी हो, नहीं तो फिर fx को इंटीग्रेबल बताओ, एक ना एक इंटीग्रेबल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि हम इंटरचेंजेबल लिमिट कर सकते हैं।
अर्जुन यस सर पढ़ जाए मैं टेस्ट मैं टेस्ट फंक्शन ऑफ सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा यदि लिमिट एम एन इक्वल टू जीरो जहां एम एन होगा सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन अच्छा ठीक है तो देखिए हमें यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में सबसे पहले मेरे पास एक मेन डेफिनेशन है जो कि मैंने बताई एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर आर इक्वल टू एन नॉट इस डेफिनेशन में जो हमारा एन नॉट है वो एन नॉट केवल डिपेंड करे एप्सिलॉन पे तो अगर ऐसा एन नॉट मिलता है जो केवल एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है तो ये डिफिनीशन हमारी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की हो जाती है वैसे ये डिफिनीशन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की है जब तक हम एन नॉट एप्सिलॉन और एक्स पर डिपेंड करता है तब तक ये डिफिनीशन हमारे लिए पॉइंट वाइज कन्वर्ज की तरह वर्क करती है अच्छा जब हमारे पास कोई भी क्वेश्चन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाता है तो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट जरूर होता है लेकिन अगर कोई पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो अगर हम कभी डेफिनेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो हम लोग पहुंचते हैं कि एम एन टेस्ट को अप्लाई किया जाए एम एन टेस्ट ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया और ये रिजल्ट रहा कि अगर कोई भी सिक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है टू एफ एक्स पे तो ये फिर ओनली एम एन क्या है एम एन इज द सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स अगर इसका एम एन का लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे अगर जीरो आ जाती है तो हम लोग कहने लगते हैं कि हमारे पास दिया हुआ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा तो हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कहने लगते हैं लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर मेरे पास कोई भी सीक्वेंस है और ऐसा सीक्वेंस है थोड़ा सा डिफिकल्ट सीक्वेंस अगर मेरे सामने पुटअप है और जिसकी हम लिमिट या एम एन टेस्ट या डिफरेंट डेफिनेशन को अप्लाई नहीं कर सकते ऐसे भी क्वेश्चन मेरे सामने आने वाले हैं जब अगर बहुत बड़ा सीक्वेंस हमारे पास दिया हो जिसमें हमें एप्सिलॉन निकालने में मुझे प्रॉब्लम हो या डेफिनेशन अप्लाई करने में प्रॉब्लम हो या मैक्सिमा मिनिमा निकालने में प्रॉब्लम हो तो हम इस टाइप के जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है उसको हम सबसे पहले जो थ्योरम बताई है मैंने यहाँ पे कम जो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन और टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन है उसका यूज करेंगे और तो यहाँ पे कंटिन्यूटी बाउंडेडनेस इंटीग्रेबिलिटी डिफरेंशिएबिलिटी का यूज करेंगे उसमें हमारे पास जो कंटिन्यूटी की सबसे पहले डेफिनेशन आई वैसे बाउंडेड की भी ट्रू है अगर कोई भी एफ एन एक्स बाउंडेड है और एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो जो उसका एफ एक्स आएगा लिमिट ऑफ फंक्शन आएगा वो भी हमारा बाउंडेड ही होगा तो ये बाउंडेड भी हम देख सकते हैं कि अगर एफ एन एक्स बाउंडेड है और एफ एन एक्स हमारे लिए बाउंडेड है और एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है इसके मतलब हम अगर एफ एक्स लिमिट ऑफ फंक्शन निकाल लेते हैं किसी भी बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ फंक्शन की और वो बाउंडेड नहीं होती है तो हम कहेंगे जो हमारा दिया हुआ एफ एन एक्स है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा सिमिलरली कंटिन्यूटी ने कहा कंटिन्यूटी और लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी की और सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूटी का रिलेशन हम देखते हैं कैसा रिलेशन है कि अगर एफ एन एक्स हमारे पास दिया हुआ एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है और एफ एन एक्स हमारे पास कंटिन्यूअस है दिया हुआ एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है और अगर उसकी लिमिट आप फंक्शन जो हम निकालते हैं अगर लिमिट ऑफ फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस नहीं होता है तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कभी भी कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हो सकता है ये यूज हमारा हुआ कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बीच में तो हम इसके निगेशन का यूज अच्छा कर लेते हैं नेक्स्ट वन है हमारा डिफरेंसिबिलिटी के लिए डिफरेंसिबिलिटी हमने आपको ये बताया कि अगर कोई एफ एन एक्स सभी डिफरेंसिबल है और एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो जो एफ एक्स निकलेगा लिमिट ऑफ फंक्शन निकलेगा वो डायरेक्टली हम ये नहीं कहेंगे वो हो भी सकता है डिफरेंशियबल नहीं भी हो सकता डिफरेंशियबल लेकिन अगर हमारे साथ कंडीशन आ जाए कि एफ एक्स सभी डिफरेंशियबल फंक्शन है और एफ एक्स नॉट एक रियल नंबर का जो सीक्वेंस है किसी कोई भी एक रियल नंबर का सीक्वेंस उस इंटरवल के बीच में कन्वर्जेंट हो जाए और एफ एन एक्स का डेरिवेटिव एफ एन डैश एक्स अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होता है देन हमारे पास रिजल्ट आता है पहला रिजल्ट आता है कि जो दिया हुआ एफ एन एक्स है वो भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा दूसरा रिजल्ट आता है कि हम इंटरचेंजेबल डेफिनेशन को इंटरचेंजेबल कर सकते हैं लेकिन तीसरा रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास कभी भी
एफ एन एक्स अगर एफ पे कन्वर्ज कर रहा होता हो, जी एन एफ एन डैश एक्स जी पे कन्वर्ज कर रहा होता तो उसका एफ डैश जो है वो जी के बराबर होता। ये हमने आपको यहाँ पे बताया। और चौथा रिजल्ट ये भी बताया कि जो लिमिट ऑफ फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, रिलेशन देख रहे हैं, लिमिट ऑफ फंक्शन भी हमारा डिफरेंशियबल हो जाएगा। तो ये हमारे कंडीशन है। तो अगर कोई भी एफ एन डैश एक्स, तो अगर एफ एक्स डिफरेंशियबल नहीं है या हमें इंटरचेंजेबल लिमिट करनी है, लिमिट और डी ओवर डी एक्स को इंटरचेंजेबल करना है, तो इंटरचेंजेबल तभी कर सकते हैं जब एफ एन डैश एक्स यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा, तो इंटरचेंजेबल अलाउ है, अदरवाइज अलाउ नहीं है। नेक्स्ट वन देखते हैं इंटीग्रेबिलिटी। इंटीग्रेबिलिटी हमारे लिए कहती है कि अगर कोई फंक्शन एफ एन एक्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है और एफ एन एक्स इंटीग्रेबल है, तो लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स भी इंटीग्रेबल होगा। इसका यूज क्या करेंगे? यूज ये करेंगे, इंटीग्रेबल होने के साथ साथ एक रिलेशन है कि लिमिट और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, लिमिट और इंटीग्रेशन को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और हमारे पास दूसरा जो रिलेशन है, इसका नेगेशन है जो हम यूज करेंगे, जिसको यूज ये करेंगे कि अगर कभी भी एफ एन एक्स इंटीग्रेबल है तो हमारे लिए जो एफ एक्स आएगा लिमिट ऑफ फंक्शन, अगर वो इंटीग्रेबल नहीं है तो हम कह देंगे कि हमारा दिया हुआ फंक्शन एफ एन एक्स इज नॉट अ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अदरवाइज जो हमने लिमिट इंटरचेंजेबल की है वो लिमिट निकाल लेंगे। अगर एफ एन एक्स हमारे पास इंटीग्रेबल है और लिमिट निकाल लेते हैं, और लिमिट अगर इक्वल नहीं आती है, तो हम कह देंगे कि हमारे लिए दिया हुआ जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगा। अच्छा, एक रिजल्ट ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर एफ एन एक्स कोई भी फंक्शन, चाहे एफ एन एक्स हो चाहे कोई फंक्शन हो, अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो इंटीग्रेबल जरूर है, लेकिन हर एक इंटीग्रेबल कॉन्टिन्यूस नहीं होता है। अगर कॉन्टिन्यूस है तो ऑलवेज इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, क्योंकि हमने इंटीग्रेबल नहीं पढ़ाया, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे। एक रिजल्ट और मैंने आपको बताया जिसमें कई कंडीशन होल्ड करती हूँ, एफ एन एक्स बाउंडेड फंक्शन हो और एफ एन एक्स जो है कन्वर्जेंट हो पूरे इंटरवल में, एफ एक्स इंटीग्रेबल हो, तो हम कहते हैं कि जो चेंज ऑफ इंटीग्रेशन एंड लिमिट है वो हम इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। ये भी रिजल्ट है, और जिसका रिजल्ट के बेस पे हम याद रखेंगे। इसके बाद डिनीस थ्योरम ने आपको एक और रिजल्ट दिया जो कि ये बताया कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हम कैसे देख सकते हैं। तो ये पूरा जो हमारा चैप्टर है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, उसका पूरी उसकी पूरी थ्योरी है। और तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है।